नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संचिती फैशन डिजाइनर में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि नया साल शुरू हो गया है और ये नए साल का फर्स्ट संडे है, द्वितीयवार है और छुट्टी का दिन है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर स्पेशल डिजाइन बहुत सरल तरीके में लेकर आई हूँ, तो आप इस डिजाइन को इंजॉय कीजिएगा, इसे बनाइएगा घर पर। बहुत सरल ट्रिक्स है और भी कोई अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो और आपकी समझ से बाहर हो तो आप उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, हम वो डिज़ाइन आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे और वो डिज़ाइन आप आसानी से बना पाएंगे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि मेरा एक लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनें घर बैठ करके अपनी सिलाई जो है आसानी से सीखें, ये मेरा लक्ष्य है और मैं इसी लक्ष्य में कार्यरत हूँ। और अभी फ़िलहाल चूंकि मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ क्योंकि मेरी डॉटर की शादी है तो मैं उसमें थोड़ी सी व्यस्त हूँ, तो आप मुझे सहयोग करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। और आपको सभी को इनविटेशन है मेरी डॉटर की शादी का, और आप उसे आशीर्वाद दीजिएगा। जो लोग पहुँच सकते हैं पहुँच करके दे सकते हैं और जो लोग कॉमेंट से दे सकते हैं। और मेरी बेटी है गरिमा संचेती, उसका भी आपने बहुत सपोर्ट किया है, मैंने अपने चैनल के माध्यम से और उसको कुछ सिखाया। और एक माँ का कर्तव्य होता है कि वो अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ करे। मैंने कुछ कोशिश की और आपने मुझे पूरा सहयोग किया, मैं तहे दिल से आप सभी लोगों की शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरा बहुत सहयोग किया, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि आपने मेरा कितना सहयोग किया है। और आपने मुझे बहुत सहयोग किया है, इसलिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि ये जो नया साल है मंगलवार से शुरू हुआ है, इसलिए आप और हम सभी मिलकर के भगवान मंगल की यानी हनुमान जी की आराधना करेंगे तो ये साल सबके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा, मंगल होगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में हम अपना जो डिजाइन है वो स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत 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 शुभकामनाएं नहीं सर। तो ये है हमारा डिजाइनर ब्लाउज और आइए हम इसकी कटिंग स्टिचिंग सीखते हैं। सरल और सिंपल और सुंदर डिजाइन कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये डिजाइन वास्तविकता में बहुत सरल और सुंदर होगी। तो ये हमारे ब्लाउज का बैक साइड है जो कि आप देख रहे हैं और ये हमारी फर्मा कटिंग है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें डिजाइन चाहिएगी 2 इंच की। सबसे पहले हम अपनी नेक लाइन बना लेते हैं, जो हमारी ओरिजिनल नेक लाइन जो हम रखेंगे वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो नेक ओपन रखेंगे वो रखेंगे 9 इंचज। तो ये हमारा 9 इंचेस का नेक हो गया है, ठीक है। नेक की हम चौड़ाई जो ओपन में रखेंगे वो रखेंगे नीचे से हम रखेंगे इसकी 2.5 इंच, ऊपर से हम रखेंगे इसकी 2.25 इंच। नेक की ऊपर से चौड़ाई होगी हमारी, देखिए लगभग 2 इंच, और नेक की टोटल लंबाई होगी 9.5 इंच। ओपन नेक की नीचे से चौड़ाई होगी हमारी 2.75 इंच, ठीक है। अब आप इस लाइन को इस तरह से इसमें ड्रॉ कर दीजिए और लगभग 2 इंच पे हम एक पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला देंगे। देखिए इस पॉइंट को आप इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लीजिए, हो गया। इसी तरह से ठीक 1.25 इंच नीचे भी ये एक ड्रॉ और कर लीजिए आप इस तरह से, उस तरफ में 1.25 इंच और इस तरफ में भी 1.25 इंच पे एक मैंने ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ से भी मैं 1.25 इंच आगे ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे ये है 3 इंच और 1.25 इंच 4 इंच पे ये पॉइंट इस तरह से हमने लगा दिया है, और यहाँ से भी मैं 1.25इंच चौड़ी एक पॉइंट लगा देती हूँ और इसको फिर इसमें मिला देती हूँ। बहुत सरल है, इजी है, और पेस्टिंग की सहायता से इस डिजाइन को बनाएं बहुत ही खूबसूरत बनेगी, विदाउट पेस्टिंग की अच्छी नहीं बनेगी। तो आप इसमें पेस्टिंग का यूज करें और जैसे कि मैं आपको कटिंग बता रही हूँ वैसे ही आप इसकी कटिंग भी करें। फिर इसी तरह से हम 2 इंच पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से इस पॉइंट्स को हमें इसमें मिलाना है, और इसकी जो दूरी है लगभग 1 इंच या 1.25 इंच की ही होनी चाहिए आपस में। फिर मैं 1.25 इंच का पॉइंट लगाते हुए इसको ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से, हल्की सी हमें ड्रॉ करना है इसको।
हो गया है 7 इंच का। अब क्या करना है कि जितना इस तरफ में हमने जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने एक 1 इंच पे पॉइंट लगाया है, और यहाँ से भी उसी तरह से मैं लगा देती हूँ 1 इंच पे। और अब इस पॉइंट्स को मुझे इसमें मिलाना है, ये जो पॉइंट है ना यहाँ वाला, ये इसमें हमें मिला देना है इस तरह से, और इस पॉइंट्स को भी हम इस तरह से मिला देंगे। हो गया ना, ये हमारा एक पॉइंट हो गया है। इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे हम डिज़ाइंस के पॉइंट्स को, और इस तरफ पे भी हम डार्क करेंगे। ठीक इसी तरह से देखिए 1 इंच का मैं पॉइंट यहाँ पे भी लगाऊंगी, तो ये हो गया 1 इंच का। और इस पॉइंट्स को मैं मिडिल सेंटर पे मिला दूंगी। जैसे इसको थोड़ा सा मुझे और ऐसे करना है, यहाँ से ऊपर कर दिया है, और इसको मैं इस तरह से मिला दूंगी इस तरह से। क्या किया है देखिए, 1.25 इंच की टोटल डिस्टेंस है। पहले ये नेक बनाया 1.25 इंच का, 9.5 इंच का, फिर ये नेक बनाया 1.25 इंच की दूरी से एक और नेक बनाया, ये वाली लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके बाद में मैंने यहाँ से 1 इंच की दूरी पे एक पॉइंट लगाया है, और यहाँ से भी 1 इंच की दूरी पे ये एक पॉइंट लगाया है। इन दोनों पॉइंट्स को इसमें मिला दिया है, ये जो पहले वाला नेक था ना, ये जो पहले वाला नेक था इस पॉइंट्स में मिला दिया सेंटर पॉइंट में। और इसी तरह से इस नेक इस वाली लाइन को 1 इंच की दूरी से और इस पॉइंट में मिला देना है। ये पॉइंट थोड़ा सा जो यहाँ पे होता है इसको थोड़ा सा मैंने हल्का सा ऊपर कर दिया है यहाँ से, बस यहाँ तक, और इस पॉइंट्स को मिला दिया। अब हम अपनी नेक की कटिंग कर लेते हैं और पेस्टिंग की भी कटिंग कर लेते हैं, वो भी आप देखिएगा कि कैसे हमें पेस्टिंग की कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैं इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ। ये हमारा ओपनर नेक है और ये हमारा डिज़ाइनर नेक होगा। सिंपल है, बहुत सुंदर है। इस तरह से आप किसी भी पेपर पे इसकी कटिंग करके फिर ये डिज़ाइंस निकाल लीजिए पेस्टिंग पे, और उसके बाद में हम अपने ब्लाउज पे ये डिज़ाइंस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है, हो गया है। पेस्टिंग की कटिंग करने के बाद इस पार्ट्स को हम अलग निकाल देंगे, और इस पार्ट्स को जो ये हमने ड्रॉ किया हुआ है इस पॉइंट्स को भी निकाल देंगे, और इस पॉइंट्स को भी हम निकाल देंगे। पेस्टिंग को डबल करके इस तरह से ये देखिए नेक लाइन की ड्रॉ कर ली है। और अब मैं इसकी फर्स्ट में ये लगभग 1/2 इंच की इस तरह से ड्रॉ करके कटिंग करूँगी, जो नेक लाइन मुझे जिस बनानी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने ये नेक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, इसके बाद में ये जो हमारी डिजाइंस है इसकी हम यहाँ पे ऐसे कटिंग कर लेते हैं ड्रॉ करके। तो ये दोनों पट्टी जो है मैं यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ बिल्कुल बराबर में इसको ड्रॉ करके। मैंने नेक लाइन और डिजाइन की पट्टी दोनों कटिंग कर ली है। आप डिजाइंस की ये पट्टी है ना, इसकी देखिए इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। जो बीच का स्पेस है उसको हमें कट करना है, तो आप इस तरह से इसको कट कर सकते हैं। ये हमारा बीच का स्पेस कट हो गया है। ठीक है, इस तरह से इस तरफ का बीच का जो है उसको भी मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ, ये कट हो गया है। ठीक है, अब ये दो हमारी डिजाइन की इस तरह से पट्टियाँ होंगी। ठीक है, अब हम इसको इसको भी इसी तरह से कट कर लेते हैं। इस तरह से आप ऊपर रखिए, और जो बीच का ये स्टेप्स है ये कट कर देंगे, और इसके बाद में ये जो बीच का स्टेप्स है ये भी कट कर देंगे। नेक लाइन और ये साइड की डिजाइंस, ये बीच का, और फिर ये होगी वापिस साइड की डिजाइंस, ये कुछ इस तरह से आएंगे यहाँ पे, और फिर ये आएगा यहाँ पे इस तरह से।
जो हमारी नेकलाइन साइड की है, इसको मैंने देखो इस तरफ से वन साइड और नीचे की साइड से लॉक कर दिया है, और कपड़े से स्टिचिंग करके पहले मैंने इसको लाइनिंग के कपड़े पे पेस्ट कर लिया है इसको। इसके बाद में इस तरफ में और इस तरफ में इसकी स्टिचिंग लेने के बाद अब हम इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से ओपन कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पे एक आप इसकी स्टिचिंग ले लें। वन साइड इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब ये है दूसरी साइड, दूसरा पार्ट से इसको मैंने तीन साइड से स्टिच ले लिया है, और अब हम इसको कट लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से कट कर देंगे, और इसके बाद हम इस पे ऐसे कट लगा देंगे, और कट लगाने के बाद आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, ओन कर सकते हैं। इस साइड पट्टी को हमने वन साइड से और दो साइड से स्टिच लेकर के फोल्ड करके और ये वाली स्टिचिंग ले ली है। ऊपर से आप देख सकते हैं इसी तरह से रहेंगी क्योंकि ये शोल्डर में यहाँ पे जॉइंट होंगी। तो अब हमें जो ये सिलाई है ना स्टिचिंग, इसको इसके नीचे इस तरह से दबा देना है, सिलाई जहाँ तक कि हमारी सिलाई है। इस तरह से हम अपनी पट्टी को यहाँ पे डिज़ाइनर पट्टी को सेट करेंगे। यहाँ पे हो गया है, एक एक पट्टी यहाँ पे सेट हो गई है। दूसरी है ये वाली, इस ये जो वन साइड टू साइड और थ्री साइड से स्टिच करके इसको इस तरह से फोल्ड करके ये वाली सिलाई हमने निकाल ली है। तो इतना इतना हम इसके नीचे इसको दबा देंगे, ठीक है। तो इसको हमें इस तरह से दबा देना है और एक स्टिचिंग हम इसकी ले लेंगे। इस तरह से ये हमारी डिजाइन हो गई है, आप देख सकते हैं। और अब की इसकी एक सिलाई यहाँ से लगेगी, कॉर्नर से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसकी। अब इसके पास वाला जो पार्ट्स है वो ये वाला है, तो इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। ये इसके नीचे जाएगा ये वाला पार्ट्स इस तरह से, ये देखिए। और इसके बाद में हम ये वाली साइड वाली पट्टी लगा देंगे इस तरफ में। तो इसको हमने इस तरह से सेट कर दिया है। अब आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल और सुंदर ये डिज़ाइन हमारी एक एक सिलाई लगाते ही कम्प्लीटली हो जाएगी। अब ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पे हम अपना इस तरह से बटन लगाएंगे। जो भी आपके पास बटन हो उन्हें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो इन बटनों को यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे वैसे लगाएं। मैं इस तरह से ये बटन लगाऊंगी मिडिल सेंटर पे, और जो ये साइड्स है यहाँ पे मैं एक और दो मोती लगाऊंगी। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी एक सिलाई के साथ में ही। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। इस तरह से 1 इंच की दूरी इस तरफ होगी, 1 इंच की दूरी इस तरफ होगी, और अब हम यहाँ से यहाँ तक इसकी स्टिचिंग ले लेते हैं। और इसकी स्टिचिंग लेने के बाद इसकी भी हम यहाँ पे ऐसे 1 इंच की दूरी से, ये 1 1 इंच की दूरी होगी यहाँ पे भी, और यहाँ से भी हम 1 इंच की स्पेस रखेंगे और इसको यहाँ पर एक स्टिचिंग यहाँ तक ले लेंगे। मैंने इसकी स्टिचिंग ले ली है, और ये शोल्डर भी यहाँ पर मैंने जॉइंट कर दिए हैं। और ये है आगे की तुरपाई की पट्टी, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगी, और ये भी जो पट्टी है इसको हम आगे तक इस तरह से फोल्ड करेंगे। जैसे ही इस तरह फोल्ड करेंगे वैसे ही, और ये यहाँ पे हम इस तरह से सारी स्टिचिंग कर देंगे, ठीक है।